वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि पीसीएस। आप सभी को जिसका बेसब्री से इंतजार था उसका रिजल्ट आज जारी कर दिया गया। देखिए 28 अगस्त की है ये डेट। इसमें लिखा हुआ है कि सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी और इन सब के कुल 1993 पदों के सापेक्ष चयन हेतु लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन हेतु अभिलेखों के ये सब जो चयन है सूची आपको दे दी गई है। तो उक्त परिणाम से इसमें कुछ बातें इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं। देखिए उक्त परिणाम से संबंधित अभ्यर्थी के प्राप्तांक की सूचना अर्थात अभिलेख परीक्षण के उपरांत उपलब्ध कराई गई है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्तांक हेतु अलग से प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा ना तो स्वीकार किए जाएंगे और ना ही उन पर विचार किया जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप आरटीआई डालते हैं तो इन आरटीआई का आपको किसी भी तरीके से कोई भी आंसर नहीं दिया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। और इसमें एक चीज और बताई गई कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खंडपीठ में उक्त विज्ञापन से संबंधित विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले आदेश के अधीन होगा। मतलब अगर कुछ भी होता है तो इलाहाबाद या लखनऊ हाई कोर्ट पर इस पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वही विचाराधीन होगा, इसके अलावा कुछ भी विचाराधीन नहीं होगा। ये लिस्ट दी गई है, इनमें से इतने लोग का सिलेक्शन हुआ है। आप इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद हम थोड़ा सा कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना किया गया है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से उन सभी को ढेर सारी बधाइयां जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जो रह गए कुछ मार्क्स उनके लिए तो सॉरी है, ये आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी, अभी और भी एग्जाम्स आगे आ रहे हैं, पर जिनका सिलेक्शन हो गया उनको ढेर सारी बधाइयां। और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा जिनका सिलेक्शन हुआ है। चलिए हम बात कर लेते हैं। अब ये जो कट ऑफ है, कट ऑफ आप समझ नहीं सकते कितना हाई कट ऑफ किया है। अब ये देख लीजिए कट ऑफ, देखिए इसमें जनरल का जो कट ऑफ गया है, जनरल का जो कट ऑफ है वो है 211, अनुसूचित जाति का कट ऑफ है 185, अनुसूचित जनजाति का कट ऑफ गया है 168.24 और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का जो कट ऑफ गया है वो 205 गया है। अब 36 आरक्षण में देख लें, 36 आरक्षण महिलाओं का 198 गया है, काफी कम गया है, आप जनरल से अंदाजा लगा लीजिए। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 187, कई ये इसलिए भी गया है कि बहुत सारे पद महिलाओं के लिए आरक्षित भी थे। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों का 162 गया है, विकलांग की देख लें पीवी का 206, पीडी का 167 और ओए का 189। तो इस तरीके से एक कट ऑफ दिया गया है, कट ऑफ आपको देखा जाए तो काफी हाई गया है। और देख लीजिए इसमें आप लोगों का जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम एक ये मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम आपको जैसे पता ही है 14 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, कम से कम 9 लाख 9.5 लाख लोगों ने फॉर्म एग्जाम दिया था, उसमें से कुछ ही सिलेक्ट हुए हैं। तो ये जो ये सिलेक्ट हुए हैं ये सबके लिए एक मोटिवेशन है कि इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ है। तो प्लीज जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।